भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है, चाहे केंद्र में मोदी जी हो और चाहे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, अधिकतम रोजगार के अवसरों को सृजित करना। और आज मुझे बताते हो खुशी है, जैसा ओम प्रकाश शुक्लेचा जी बता रहे थे अभी, हमने तय किया है मेरे बेटा बेटियों हर महीना एक दिन रोजगार दिवस के रूप में बनाएंगे। और पहले मैंने तय किया था कि हर महीने 1,00,000 बच्चों को रोजगार देंगे, लेकिन मुझे बताते हो खुशी है हमने विवेकानंद जयंती पर यह शुरू किया था। जनवरी 12 को पूरे मध्य प्रदेश के 5,26,000 नौजवानों को रोजगार से हमने जोड़ा। 16 फरवरी को फिर रोजगार दिवस हुआ और उस दिन 5,04,000 लोगों को रोजगार मिला। और आज जब मैं रीवा में यहां खड़ा हूं, पूरे मध्य प्रदेश में 3,33,000 बेटा बेटियों को स्वरोजगार के लिए लोन दिया जा रहा है, उनको काम धंधे से लगाया जा रहा है। मैं आज पूरे प्रदेश के बच्चों से कहना चाहता हूं, रोजगार अगर देना है तो अलग अलग तरीके हैं। पहला है सरकारी नौकरियां। वर्षों के बाद, 2-3 साल कोविड के बाद, हमने तय किया कि 1 साल में 1,00,000 सरकारी भर्तियां निकाली जाएगी, जिस पर लगातार काम चल रहा है अभी भी। फिर चाहे पुलिस की हो और चाहे शिक्षा विभाग की हो, अभी फिर पुलिस की भर्तियां निकल रही है। और एक परिवर्तन मैंने किया है, अब तक उस भर्ती में केवल कौन मेरिट में आता है, ज्यादा नंबर लाता है, उसी का ध्यान रखा जाता था और उसके कारण गांव में रहने वाले बच्चे पिछड़ जाते थे। अरे अगर अपराधियों को पकड़ना है तो ऑफिस में लिखने वाले से काम नहीं चलेगा, मैदान में जंगलों में दौड़ के अपराधियों को पकड़ने वाले भी चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने तय किया है 50% नंबर केवल दौड़ भाग के रखे जाएंगे पुलिस की भर्ती में, 50% केवल फिजिकल, जिनके शरीर में दम होगा, जो दौड़ेंगे भागेंगे, जिनमें क्षमता होगी, उन बच्चों को भर्ती करने का हम काम करेंगे। 50% जो टेस्ट होता उसके आधार पर रखे जाएंगे। लेकिन केवल सरकारी नौकरियां एकमात्र रोजगार का साधन नहीं है। हम सब जानते हैं केवल शासकीय नौकरी में सबकी भर्तियां नहीं की जा सकती, और इसलिए स्वरोजगार के अलग अलग अवसर। मैं आज कहना चाहता हूं, यह मध्य प्रदेश की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जिसने उद्यम क्रांति योजना बनाई, और मेरे बेटे बेटियों अप्रैल में वो योजना शुरू हो रही है। हर साल कम से कम 1,00,000 बेटे बेटियों को 1,00,000 से लेके 50,00,000 रुपए तक का लोन अपना उद्योग प्रारंभ करने के लिए दिया जाएगा। बैंक लोन देंगे और उसको वापस करने की गारंटी तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। अभी जनार्दन जी कह रहे थे गेहूं की बात, राजेंद्र जी ने भी बताया, यह पूरा हमारा विंध्य प्रदेश कुछ वर्षों पहले सिंचाई के अभाव में यहां गेहूं का उत्पादन नहीं होता था। आज विंध्य का गेहूं पंजाब को मात कर रहा है। और इसलिए मैं यहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारी है उनको निमंत्रण देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के गेहूं की डिमांड आज पूरी दुनिया में है, और हम विंध्य के गेहूं को भी पूरे हिंदुस्तान से बाहर दुनिया के हर देश में भेजने का प्रयास करेंगे। औद्योगिक क्लस्टर का जहां तक सवाल है, अभी शुक्लेचा जी ने आपको विस्तार से बताया, जो हमारे गरीब भाई और बहन है उनको मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत, पीएम स्ट्रीट वेंड योजना के अंतर्गत रोजगार दिया जा रहा है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों जो हाथ ठेला पे व्यापार करते हैं,
फुटपाथ पर रहकर अपना सामान बेचते हैं, जो छोटे छोटे काम धंधों में लगे, जिनको कई बार फल और सब्जी के लिए भी ऊंचे ब्याज की दरों पर लोन लेना पड़ता था, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अब हमने तय किया है, कोविड काल में यह योजना बनी थी और लगातार हर महीने मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूं, हमने तय किया कि छोटे मोटे काम धंधे के लिए स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए 10,000 रुपए तक का लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा और उसकी गारंटी भी मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। 10,000 वापिस करेंगे तो 20,000, 20 वापिस करेंगे तो 50,000, ये योजना लगातार चल रही है। प्रधानमंत्री जी की रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, एक नहीं अनेक योजनाओं के अंतर्गत हमारा संकल्प है हर महीने अब अगले साल 2,00,000 बेटे बेटियों को रोजगार देंगे, अपने स्वरोजगार के काम धंधे से भी बेटे बेटी लगे। शासकीय नौकरियों में अगर मौका मिलता है तो वहां भी उनकी भर्ती होगी, और जैसे ओम प्रकाश सकलेचा भी बता रहे थे, एक नहीं अनेकों एमएसएमई के क्लस्टर काम कर रहे हैं, जिनमें भी हम बच्चों को रोजगार देंगे। ये विंध्य की और मध्य प्रदेश की पवित्र धरा आज उद्योगों को आकर्षित कर रही है, एक नहीं अनेक निवेश आज विंध्य की धरती पर भी आ रहे हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं पूरे मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों को कि कृषि के बाद अब उद्योग में भी मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के नंबर एक का राज्य हम बना देंगे। उसके लिए दिन और रात भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम में लगी है। मैं विंध्य के बेटा बेटियों को, प्रदेश के बेटा बेटियों को एक बात और कहना चाहता हूं, कई बार जो गरीब बेटे बेटी होते हैं, मध्यम वर्गीय होते हैं, जो प्राइवेट स्कूलों की ऊंची फीस नहीं दे पाते, मेरे बेटा बेटियों मध्य प्रदेश की धरती पर अब सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं, ये स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर बना के दिए जाएंगे, शासकीय स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर होंगे और वहां सामान्य परिवारों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। एक अंग्रेजी के चक्कर में हमारे कई बच्चे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी का चलन मध्य प्रदेश की धरती पर इतना नहीं है, और इसलिए मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां मेडिकल की पढ़ाई भी अब हिंदी में की जाएगी, ताकि हिंदी जानने वाले बच्चे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी अच्छी पढ़ाई कर सके। इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हम हिंदी में करवाने का काम करेंगे, कई बार अंग्रेजी प्रतिभा को मारने का काम कर देती है, और इसलिए अगर हम अंग्रेजी नहीं जानते तो इसमें कोई खराब बात नहीं है, अपनी भाषा में पढ़ाई करना और आगे बढ़ना ये हर एक का अधिकार है। और इसलिए हमने तय किया है कि हम अंग्रेजी की अनिवार्यता मेडिकल कॉलेज जैसी पढ़ाई में नहीं रखेंगे। एक तरफ रोजगार के बराबर अवसर और दूसरी तरफ पढ़ाई में भी बच्चे पीछे ना रह जाएं। मेरे बेटा बेटियों, पिछली सरकार ने संबल योजना बंद कर दी थी, अभी मैं मेधावी बच्चों से मिलकर आ रहा हूं, जिनने अच्छे नंबर लाए मेरिट में, वो किसी वर्ग के हों, किसी समाज के हों, मैं अपने इन बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि तुम तो मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करना, अगर अपनी प्रतिभा के बल पर तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईएम में होगा, बीबीए में होगा, तो फीस होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 8,00,000, 7,00,000, 9,00,000 रुपया साल। ये सामान्य परिवारों के बच्चे, गरीबों के बच्चे दे नहीं सकते, और इसलिए हमने फिर से मेधावी विद्यार्थी योजना प्रारंभ करने का फैसला किया है। अगर 7-8 लाख रुपया साल भी फीस होगी तो चिंता मत करना, वो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाने का काम करेगी। आपकी जिंदगी बदलना और प्रदेश का विकास करना यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है, और इसलिए दिन और रात काम करते हुए
हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों हमने कुछ फैसला और किए हैं मेरे गरीब बहनों और भाइयों। कल मध्य प्रदेश की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुड़े थे, उनका आशीर्वाद हमें मिला था। देखिए, गरीब को अपनी जिंदगी आसानी से गुजारने के लिए रोटी, मकान, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और इलाज की जरूरत होती है, और ये काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सितंबर तक प्रति व्यक्ति गरीबों को 5 किलो राशन फ्री में दिया जाएगा। कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर भूखा नहीं सोएगा। 5 किलो प्रधानमंत्री जी का और 5 किलो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का। हमने ये भी तय किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। 3 साल में हर गरीब के पक्के मकान बना के दे दिए जाएंगे। इस साल मकान के लिए हमने 10,000 करोड़ रुपया बजट में रखा है, और वो 10,000 करोड़ रुपया में लगभग 10 लाख आवास बनेंगे। इस साल 10 लाख, दूसरे साल 10 लाख और तीसरे साल 10 लाख, ऐसे 3 सालों में हर गरीब को मकान बना के दे दिया जाएगा। बेहतर इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। कई के बन गए, जिनके ना बने हो उनके बनवाने का अभियान चल रहा है। उसमें अगर कोई बीमार होगा गरीब तो 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी अस्पतालों में भी निशुल्क करा के हर साल दिया जाएगा, ताकि गरीब की जिंदगी ठीक ढंग से रास्ते पर चल सके। मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश के संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए एक बेहतर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। वो गरीब बहन और भाई कोरोना काल में जिनके बिजली के बिल जमा नहीं हो पाए थे, हमने फैसला किया तब स्थगित करने का, लेकिन आज जब लगा कि अब वो बिल भर नहीं पाएंगे तो स्थगित करने का फैसला अब हमने वापस ले लिया। अब वो बिल कोविड काल के गरीब नहीं भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवा के देने का काम करेगी। मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी योजनाएं जो पिछली सरकार ने बंद कर दी थी, अब 21 अप्रैल से फिर से चालू हो रही है, और बेटियों की शादी में 55,000 रुपया खर्च करके धूमधाम से भी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की बेटियों की शादी का काम भी करवाया जाएगा। तीर्थ दर्शन योजना फिर से प्रारंभ हो रही है, और वो भी 18 अप्रैल से। हम रेल से तो बुजुर्गों को तीर्थ कराने ले ही जाएंगे, लेकिन जरूरत अगर पड़ी तो हवाई जहाज से भी बुजुर्गों को ले जाके तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इसकी रणनीति और योजना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। तो एक तरफ कल्याणकारी योजनाओं पर काम, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसरों को खड़ा करने का काम, लगातार इस पे काम चल रहा है। और वो लोग जो जनता को कुचलने का काम करते थे, जो दबंगाई करते थे, दादागिरी करते थे, लोगों का खून चूसने का काम करते थे, आजकल उन सबको जमींदोज करने का फैसला हमने लिया है। मैं कहना चाहता हूं, यहां भी कलेक्टर है, एसपी है। पिछले दिनों एक घटना के बारे में मैंने आज पढ़ा है, और वो घटना भी यहाँ के राज निवास में हुई है। एक बात साफ सुन लें, बेटी के साथ अगर किसी ने दुराचार किया तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जिनने ऐसी हरकत की है, मैं कहना चाहता हूं, कहां है कलेक्टर और एसपी, कहां है आईजी? ये बुलडोजर कब काम आएंगे? करो इनको जमींदोज, पूरी तरह से तोड़ दो ऐसे गुंडों और बदमाशों को जो बहन और बेटी की तरफ गलत नजर उठा के देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये। मैं किसी भी गुंडे को
बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटियों की तरफ गलत नजर उठाने वाले जमी दोज कर दिए जाएंगे, बुलडोजर चलेंगे और पूरी तरह से उनको तोड़ दिया जाएगा। उनको मध्य प्रदेश की धरती पर मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। और मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूं, बताओ उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? ऐसे लोग छोड़ने के काबिल है? इसमें देर किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। और यह भी पता लगाना कि वो देने वाला कौन था राजनिवास को। गुंडों और बदमाशों को मध्य प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं रहेगी। ये बिंदु चाहे मध्य प्रदेश हो, शांति का टापू है। यहां गड़बड़ करने वालों को मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, पूरे मध्य प्रदेश में आज जिन 3,33,000 बेटा बेटियों को रोजगार मिला है, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं। वो बेहतर ढंग से अपना काम धंधा करे। और बाकी बच्चों को भी मैं आश्वस्त करता हूं, चाहे वो खेती हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, और चाहे वो हमारे बहनों के आजीविका मिशन हो, बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप हो। मेरी बहनें बड़ी संख्या में बैठी है, आजीविका मिशन वाली बहनें शायद पीछे की तरफ बैठी है। मैं उन बहनों को भी, बहुत अच्छा काम कर रही है बहनें, अलग अलग स्व सहायता समूह आजीविका मिशन के अंतर्गत रोजगार में चमत्कार पैदा कर रहे हैं। और मेरी बहनों, तुम जानती हो, हर महीने तुम्हारे खाते में बैंकों से मैं पैसे डलवाता हूं। और मेरा लक्ष्य है आजीविका मिशन के अंतर्गत जो बहनें काम कर रही है उनकी कम से कम आमदनी 10,000 रुपया महीना होनी ही चाहिए। बहनें बहुत अच्छा काम कर रही है और कई तरह के काम उन बहनों को सौंपे गए, एक नहीं अनेकों काम। चाहे स्कूल की यूनिफॉर्म बनाना हो, चाहे पोषण आहार बनाने का काम करना हो, चाहे अलग अलग चीजें बनाने का काम करना हो, ये गरीब बहनें भी बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। और इसलिए जितने हमारे स्व सहायता समूह हैं, इनको रोजगार से जोड़ने के अभियान में हम निरंतर लगे हुए हैं, ताकि उनकी गरीबी दूर की जा सके, हर घर में पीने का पानी आए, नल से आए, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और राजेंद्र जी, अभी आपने बात कही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने बाण सागर को पूरा करके किसानों के सूखे खेतों की प्यास बुझाई है और बिंद की धरती को हरा भरा करने का काम किया है। बाकी बची हुई जितनी परियोजनाएं, चाहे वो प्रदीप पटेल जी के यहाँ की हो या बाकी इलाके की हो, हर एक का काम पूरा करके हर किसान के खेतों में पानी भेजने का काम किया जाएगा। और विंध की यह धरती उत्पादन में पंजाब को मात देगी, ये वचन मैं आपको देता हूं। हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन आज उद्योग के लिए, रोजगार के लिए बहुत जरूरी है कि हवाई सुविधा का विस्तार किया जाए। और ये राजेंद्र शुक्ला जी, आपने बात कही है रीवा के एयरपोर्ट के विस्तार की, केंद्र सरकार ने पैसा दे दिया है, मध्य प्रदेश सरकार रीवा के एयरपोर्ट के विस्तार की हर औपचारिकता पूरा करके रीवा की पट्टी हवाई पट्टी नहीं रहेगी, पूरी तरह से एयरपोर्ट बनाई जाएगी, ताकि निवेशक यहां आ सके और निवेश करके हमारे बिंद की धरा को समृद्ध करने का काम कर सके। एक निवेदन मैं करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने कल आह्वान किया है, पानी बचाना भी है और भूजल के स्तर को ऊपर उठाना भी है। इसलिए धरती से पानी तो हम खूब निकालते हैं, धरती में पानी हमको भेजना भी पड़ेगा। और इसलिए उनने आह्वान किया है कि कम से कम 75 तालाब एक जिले में एक साल में बना के देना चाहिए। यहाँ मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, केवल प्रशासन नहीं, यहाँ बैठे हुए जनप्रतिनिधि भी और जनता जनार्दन भी, ये 75 तालाब एक साल में हम बनाएंगे रीवा जिले में, ये संकल्प ले। बोलो, बनना चाहिए तालाब कि नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? तो ये 75 तालाब रीवा भी बना के देगा,
और जलाभिषेक अभियान के अंतर्गत चेक डैम, स्टाफ डैम, बोरी बंधान वो बना के भी हम पानी रोकेंगे। एक बात और, हर शहर अपना गौरव दिवस मना रहा है। बिंद की धरा पर ये रीवा का गौरव दिवस मनाया जाना चाहिए। रीवा किसी से कम नहीं है। मैं आज आह्वान करता हूं, रीवा के लोग तय करें कि हम रीवा का गौरव दिवस मनाएंगे और जनता और सरकार मिलके रीवा और बिंद को और आगे ले जाएगी। बोलिए मनना चाहिए कि नहीं गौरव दिवस? अरे जोर से बोलो मनना चाहिए कि नहीं? तो रीवा के गौरव दिवस की तारीख तय कीजिए, उस दिन हम रीवा के विकास के और नए द्वार खोलेंगे। और केवल रीवा नहीं, जितने हमारे साथी बैठे अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का गौरव दिवस, हर एक गांव का गौरव दिवस, ताकि वो गांव आगे बढ़ सके। और एक बात और, स्वच्छता में हमेशा इंदौर नंबर वन रहता है, हमको गर्व होता है, लेकिन रीवा क्या इंदौर से कम है जी? रीवा में क्या कमी मैं पूछना चाहता हूँ। और इसलिए मैं गांव हो और चाहे शहर हो बिंद के, उन सबको ये अपील करता हूँ कि अपने शहर को स्वच्छ रखने में आप सबका सहयोग चाहिए, ताकि स्वच्छता के मामले में भी हम झंडे गाड़ सकें। स्वच्छ रहना चाहिए कि नहीं अपने शहर? अरे ऐसे धीरे से बोलते हैं क्या? रहना चाहिए कि नहीं? तो देखो मेरे साथ संकल्प लो, पानी बचाने का, पेड़ लगाने का, स्वच्छता अभियान चलाने का, गौरव दिवस मनाने का, कि अपने गांव और शहर के विकास में हम भी अपनी तरफ से कुछ योगदान देंगे, तब हम तेजी के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। बोलिए सब संकल्प के लिए तैयार हैं? तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के हम सब संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इसके पश्चात विभिन्न जो स्वरोजगार योजना